तो क्या आप भी एक ऐसे इंसान हो जो खाना खाते खाते हा, 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 मेरी फास्टिंग विंडो चल रही थी ऐसे कंफ्यूज हो जाता है तो इस वीडियो को एंड तक देख कर जाना क्योंकि इंटरमीडियंट फास्टिंग आपका ऑब्वियसली फैट लॉस एनहस करेगा ही करेगा पर उसके साथ में देगा आपको बहुत सारा स्ट्रेस स्ट्रेस कॉल फॉर अ लॉट ऑफ ब्लोट आज मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूं तो आपको मैं अपनी कंडीशन दिखाता हूं कंडीशन तो मेरी बढ़िया रहती है क्योंकि मैं ऑल द टाइम स्ट्रेस फ्री नहीं रहता बट 99% नाइन ऑफ द टाइम मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूं अगर आप इंटरपेंडेंट फास्टिंग कर रहे हो तो अपने पर्सनल प्रेफरेंस पर करना किसी की वजह से मत करना कि यार मैंने वहां पढ़ लिया था यहाँ पढ़ लिया था इंटरमेंडेंट फास्टिंग से मैं सेन आवर्स फास्टिंग विंडो पे खाना खाऊंगी या खाऊंगा एंड देन आई विल एनहैंस माय फैट लॉस सो देर आर पीपल ऑन नेट जो क्लेम करते हैं कि अगर आप इंटरपेंडेंट फास्टिंग करोगे विदाउट इवन कैलकुलेटिंग और कैलरीज तो आप ऑब्वियसली फैट लूज करोगे ऑब्वियस इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ उनकी स्टूपिडिटी है क्योंकि इंटरमीडियंट फास्टिंग एक टूल है सी आपको इमेजिन करने अपने फैट लॉस के लिए कि आपके पास एक टूल बॉक्स है जिसमें से आप टूल्स निकाल निकाल कर अपनी हेल्प कर सकते हो कि अगर आपको कहीं पे कील ठोकने और वहां पे फोटो फ्रेम लटकाना है तो कील ठोकने के लिए आपको हैमर की जरूरत है तो ऑब्वियसली कील को अगर आप हाथ से ठोकोगे या फिर आप हैमर से ठोकोगे तो आसान किससे होगा हैमर से ठोकना ऐसे ही अगर फैट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट स्टेट में रहना है तो उसके लिए इंटरमीडियंट फास्टिंग आपके लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना थोड़ा सा आसान कर देगा कैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पंद्रह सौ कैलरीज चाहिए अपना कैलरिट डेफिसिट मेंटेन करने के लिए तो अगर आपकी मील टाइमिंग कुछ ऐसे है कि आप सुबह आठ बजे उठते हो और आपको सुबह उठते ही ऐसा लग रहा होता है आई नीड टू हैव समथिंग अगर नहीं नहीं तो मैं अपना दिन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार ना मैं मैं शाम तक ना फास्टिंग कर सकता लाइक खाली पेट रह सकता हूं बट अगर आपको कहीं से ऐसा लग जाए कि यार मुझे तो एवरी किस खाने अपना मेटाबॉलिजम स्पाइक करने के लिए अगर मैंने फास्टिंग कर ली तो मेरा मसल लॉस हो जाएगा तो आप एवरी टू आवर्स खाते 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 एक दिन में इतने सारे मील्स कर लोगों कि आपकी टोटल कैलोरीज जो है वो एक्सीड कर जाएंगी तो वहां पर इंटरमीडेंट फास्टिंग आपको हेल्प करता है ये

ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप फास्टिंग नहीं भी करते हो और आप एवरी टू आवर्स खाते हो प्रोवाइडेड कि आप अपना को मेंटेन कर पा रहे हो एट द एंड ऑफ द डे तो आप फेड स्टेट में भी अगर कोई भी काम कर रहे हो मतलब कि भरे पेट में भी कोई भी काम कर रहे हो प्रोवाइडेड आपका डाइजेशन हम्पर नहीं हो रहा तो आपकी ग्लाइकोजन डिप्लीशन तो उस टाइम के लिए डिक्रीज होगी फॉर श्योर पर आपका फैट ऑक्सीडेशन उस एक्टिविटी को करने के बाद इंक्रीज हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों के ये कहते है कि no और तो पर का भी बस्त हो जाता है कि जो लोग सुबह उठकर कहते हैं कि हम फास्टेड कार्डियो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें ज्यादा फैट बर्न करना है नहीं सर उतना ही फैट ऑक्सीडेशन आप बाद में पूरे दिन में कम कर दोगे वहीं पर अगर मैं एक बनाना खाकर कार्डियो करने जाता हूं तो हो सकता है कि मैं ज्यादा अच्छा कार्डियो कर पाऊं पर हां फैट ऑक्सीडेशन कार्डियो करते वक्त तो मेरी कम होगी पर पूरे दिन में मेरी फैट ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी तो एट दी एंड हम दोनों सेम अमाउंट ऑफ फैट बर्न करेंगे हो सकता है कि मैं ज्यादा कर लू खाने के बाद क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस एनहांस हुई थी और मैंने ज्यादा कार्डियो कर लिया था तो इंटरमेट फास्टिंग आपको क्यों करनी चाहिए क्यों अच्छी है इंटरमेन फास्टिंग और मैं क्यों करता हूं पिछले चार सालों से सिंपल और सर रीजन ये है कि भाई मेरी ईटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है अगर मुझे खुला छोड़ दिया जाए तो मैं तीन चार हजार कैलरीज रोज खा लूंगा पर अगर मैंने ऐसा किया तो मैं से एक सौ सात के जहां से तो तो आपको, आप तो आपको समझ भी नहीं आएगा जर्नी के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इंटरमेंट फास्टिंग कर तो रहे हैं पर अब इंटरमेंट फास्टिंग के वक्त हम क्या खा सकते हैं हम क्या पी सकते हैं क्या अश्वगंधा लेने से या फिर कोई ऐसी दवाई लेने से मेरा फास्ट ब्रेक होगा क्या ब्रश करने से मेरा फास्ट ब्रेक होगा Obviously, मैं आपको इसके ऊपर एजुकेट करूंगा सारी की सारी बात बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में आपको कि आपको इंटरवेंट फास्टिंग प्रॉपरली कैसे करनी है पर शुरू करने से पहले आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो जस्ट गो फॉर कैलरिक डेफिसिट फॉर फैट लॉस और आपकी लाइफ एकदम आसान रहेगी मैंने भी जब बिगिन किया था तो मैंने इसी माइंड से किया था कि भाई जो सबसे आसान चीज है मैं वही करूंगा सो दैट आई डोंट क्विट धीरे 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 जब आप एडवांस होते रहोगे फिर आप मेरी वीडियोस को देखो तो आप रिलेट भी कर पाओगे आपको समझ भी आएंगी चीजें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंटरमीडियंट फास्टिंग के टाइम आप क्या खा सकते हो अगर आप एक फास्टेड स्टेट में हो तो जीरो कैलोरी चीजें जैसे कि लेमन लेमन को आप अगर वाटर में स्क्वीज कर देते हो तो आपका फास्ट नहीं तोड़ेगा इनफैक्ट आपके फास्ट को वो एनहेंस करेगा एप्पल साइडर विनेगर फास्ट को वो एनहैंस करेगा क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे उसके अंदर पोटेशियम होता है तो जब हम फास्ट स्टेट में होते हैं तो हम एक बहुत डिप्लीशन वाली स्टेट में होते हैं हमें बहुत ज्यादा सुसु आ रहा होता है यूरिनेट कर रहे होते हैं हम डिप्लीट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को तो उस टाइम पर अगर हमें एक पोटेशियम की डोसेज मिल जाए विदाउट कैलरीज एप्पल साइडर विनेगर कैन गिव दैट टू यू और विटामिन सी आपकी स्किन स्ट्रक्चरिंग में एंड आपको फर्दर डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है एंड न्यूट्रियट अब्जॉर्प्शन को और ज्यादा हेल्प करता है तो जब आप अपना फास्ट एंड करने वाले होंगे और अपना मील पंद्रह बीस मिनट बाद खाने वाले होंगे पहला मील आई वुड एडवाइस यू कि एप्पल साइडर विनेगर नींबू एंड पिंक हिमालयन सॉल्ट पानी में मिक्स करके पी जाओ आपकी न्यूट्रियट अब्जॉर्प्शन फर्दर एनहस हो जाएगी अब आप डाइट कोक या डाइट सोडा पी सकते हो नहीं अग, आपको स्ट्रेस ओवर नहीं करना अगर आपको अपनी एक कस्टमाइज इंटरमेडेंट फास्टिंग प्रोटोकॉल बनाना है तब आप ये चीजें ऐड कर सकते हो बट अगर जो ऑप्टीमेलिटी की बात की जाए तो अगर आप डाइट को क्या डाइट सोडाज भी पीते हो तो उनके अंदर 0.5 कैलोरीज तो होती ही हैं एंड दैट विल ब्रेक योर फास्ट तो आपको कंप्लीट बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे इंटमेंडेंट फास्टिंग के ऑल्सो अगर आप पानी सोच रहे हो कि मैं पानी भी ना पीऊं वो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी वाटर फास्ट मत करना पानी जितना ज्यादा पी सकते हो इंटरमेडियट फास्टिंग वाली फास्टेड विंडो में उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है ऑल्सो मॉर्निंग कार्डियो मत करना उससे आपका हंगर स्पाइक अप हो सकता है अगर आप एक फास्टेड विंडो में जब आपको पता है कि मेरे को अभी पाँच छह घंटे बचे हो या मेरा खाना खाने में खाना नहीं खा सकता या खा सकती और आप कार्डियो करने चले जाओ तो कार्डियो से आपके हॉर्मेटिक स्ट्रेसेस जो होते हैं आपकी बॉडी में वो स्पाइक अप हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका हंगर लेवल स्पाइकअप होगा एड विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फास्ट या सो so, ये एक बेसिक सी गाइड है इंटरवेंट फास्टिंग के ऊपर अब जब आप 16 घंटे को मास्टर कर लेते हो तो इसके बाद आप फिर दूसरे दूसरे लेवल्स पर जा सकते हो इंटरवेंड फास्टिंग के जो कि थ्री मील्स अ अडे टू अ डे वन मील अ डे ऐसे करके और प्रोलॉन्ग फास्टिंग भी करते हैं लोग मैंने तो आज तक नहीं करी जिसमें 48 एट आवर्स टू फिफ्टी टू आर्स तक भी लोग फास्टिंग करते हैं पर मेरे एक क्लाइंट है हितेश जशनानी सो तो उसने एक बार 50 घंटे की भी फास्टिंग कर रखी है सो इट इज ऑल अबाउट कि आपको क्या चाहिए आपके आपको मजा आ रहा है फास्टिंग में आपका फोकस इन्हांस हो रहा है आपके लाइफ में वो बैठ रहा है गो फॉर इट अगर नहीं बैठ रहा तो आपको ले देकर भी अगर आप इंटरमीट फास्टिंग फैट लॉस के लिए कर रहे हो तो आपको डेफिसिट ही उसके अंदर हेल्प कर रहा है फैट लॉस के लिए इंटरमीडियट फास्टिंग नहीं बनी इंटरमीडियट फास्टिंग इज ए लाइफ अगर वो लाइफ आपके अंदर नहीं बैठता तो इट इज एज बैड एज कीटो डाइट कीटो डाइट इज नॉट इनहेरेंटली बैड पर अगर वो किसी के लाइफ में बैठता है तो बंदे करते हैं पर मैं गाली दे दूंगा अपने आप को अगर मैं कीटो करूंगा क्योंकि मेरे लाइफ में वो बैठ ही नहीं सकता मैं काफ के बिना रह ही नहीं सकता सो इसका मतलब क्या है कि कीटो अच्छी है और बाकी सारी डाइट्स बुरी हैं नहीं तो इसका मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग इफेक्टिव है बाकी सारी इनइफेक्टिव है नहीं ले देकर आप कैलोरी डेफिसिट को अलग अलग तरीकों से फॉलो कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सो so, मैं तीन चार हजार कैलरी मार्क पे रोज ना जाऊं इसलिए मुझे फास्टिंग एज ए टूल एक हेल्प करता है कि भाई मैं पूरे दिन अपने काम भी कर लूं मैं 18 से 20 घंटे की फास्टिंग कर लूं और उन चार घंटों में मैं बिना कैलकुलेट करे आई कैन ईट टू माई हार्ट मैं हमेशा फास्टिंग नहीं करता देर आर फेजेज इन माई ट्रेनिंग जब मेरी ट्रेनिंग थोड़ी कम हो जाती है जब मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मैं आई एम नॉट इवन एबल टू ट्रेन फॉर एन आर मेरी कैलोरीज़ में ड्रॉप करता हूं सो so दैट मैं फैट गेन ना करूं क्योंकि मेरी बॉडी मसल किसी ना किसी तरह तो प्रिजर्व कर लेगी पर फैट गेन करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी फैट मेरे से आप मसल सारी छीन भी लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट इज माई पर्सनल प्रेफरेंस पर वहीं पर अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको मसल से प्यार है दो आप एक एंडोमऑफ भी हो और आपकी बॉडी में फैट भी है आई रिस्पेक्ट दैट क्योंकि मेरे पास हर टाइप के क्लाइंट्स हैं तो मैं सिर्फ अपने आप को रिस्पेक्ट में बात नहीं करूंगा यहां पर रख के मैं अपने सारे क्लाइंट्स को रख के करूंगा अगर आपके लिए मसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पास टाइम भी है वर्कआउट करने का डोंट गो फॉर इंटरमेडेंट फास्टिंग अगर आपको और चीजों में टाइम इन्वेस्ट करने अपनी लाइफ में और वर्कआउट को आप कम टाइम दे रहे हो देन इंटरमेडेंट फास्टिंग कैन हेल्प यू अलॉट ऑल्सो अगर आपको एस्थेटिक बेनिफिट्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने एक फैट लॉस फेज में हो डीप फैट लॉस फेज में जो आपके सिर्फ दो से तीन हफ्ते बचे उस फैट लॉस को खत्म होने में और आप बारह सौ तेरह सौ कैलरीज पर आ गए हो तो अब आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बूस्टअप कर सकते हो एंड एक हाईकॉप डाइट फॉलो कर सकते हो अब यहां पर बहुत सारे लोग बोलेंगे हाईकॉप डाइट हम वैसे भी फॉलो कर ले तो क्या नुकसान है नुकसान कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप स्पिल ओवर ना कर दो क्योंकि जब आप अपने बिल्कुल डीप फैट लॉस फेज में होते हो जब आपका फैट लॉस खत्म होने वाला होता है यहां पर जो लोग अभी तेरह चौदह बॉडी फैट परसेंटेज में है, वो मेरी बात यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे कि तब हमारी बॉडी बहुत वल्लेबल होती है छोटी छोटी चीजों से ब्लोट कर जाती है अगर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा खा लिया एक्स्ट्रा शुगर एक्स्ट्रा सोडियम एक्स्ट्रा काग तो हम स्पिल ओवर कर जाते हैं और हमारी बॉडी जो है ब्लोट कर जाती है हमारा बेली चेस्ट मुंह बहुत जल्दी ब्लोट कर जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आप एक इंटरमीडियंट फास्टिंग फेज में रहोगे सोलह से सत्रह घंटे तक कुछ नहीं खाओगे और उसके बाद एक हाई काग मील लोगे तो मोस्ट लाइकली आपके मसल सेल्स उसे पकड़ेंगे एंड आपको एक बेनिफिट मिलेगा ड्रग का जो कि बॉडी बिल्डर्स इंसुलिन लगाते हैं सो दैट दे गेट बेटर न्यूट्रिएंट अब्बॉर्ब्शन जो खाएं उनके मसल में जाए उनको पंप भी अच्छा है उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़े उनकी मसल भी प्रिजर्व रहे ड्यूरिंग द श्रेड तो उससे आप इंटरमेंट फास्टिंग का बेनिफिट आप ले सकते हो इंटरमेंट फास्टिंग से आप टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी नेचुरली बूस्टअप कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी मसल प्रिजर्व रहेगी एंड यू कैन गो फॉर जस्ट प्योर फैट लॉस वॉट डू नीड फॉर फैट लॉस समराइज लिसन फ्रॉम दॉर्सिस माउथ घोड़ा मैं और मैं आपको बता रहा हूँ अपना बी एम आर जानो बी एमआर के ऊपर उसके बाद बी एम आर से डेफिसिट बनाओ एंड फैट लॉस करते रहो डेफिसिट परफॉर्मेंस से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है टाइम नहीं है परफॉर्मेंस का तो डाइट को कम करो डाइट को कम करना आजकल के टाइम में मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा दैट कैन रिड्यूस योर इम्यूनिटी ऑल एन ऑल हमारी बॉडी बनी है एक इंजन की तरह कि फ्यूल डालो और फ्यूल को बर्न करो सिंपल यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स आई सी यू आई नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में डाल दो एंड आई जस्ट रिप्लाई टू यू इन अनदर टू आवर्स और एक बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में स्टेट यून आई सी यू नेक्स्ट आई